रास्ते के खड्डे के विषय में उल्लासनगर मनसे पार्टी के लोगों ने आज महानगर पालिका का किया घेरावा। मनसे पार्टी के सचिन कदम, मुन्नुद्दीन शेख, बंधु देशमुख, सचिन बिरके, प्रदीप गोरसे, संजय गुगे तमाम कार्यकर्ताओं ने आज महानगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि महानगर पालिका को मनसे पार्टी ने अल्टीमेट दिया था। उन्हें 15 दिन के लिए ये बोला गया था कि 15 दिन के अंदर रास्तों का काम चालू किया जाएगा, मगर काम चालू नहीं हुआ। आज मनसे पार्टी रास्ते पर उतरी और महानगर पालिका का घेराव किया। महानगर पालिका के तमाम अधिकारी मनसे पार्टी के लोगों को ये समझाते रही कि जल्द ही काम शुरू होने वाला है, मगर मनसे पार्टी नहीं समझ रही थी। उन्होंने कहा कि शहर में खड्डों के वजह से शहर में जो आपघात होते हैं उनका जवाबदार कौन है? महानगर पालिका का हमें टैक्स जब हम नहीं भरते तो वह हमारे से 24% सालाना ब्याज लेती है। अगर लोगों की जान जाती है, लोग मर जाते हैं खड्डों में, उसका जवाबदार कौन? महानगर पालिका क्या इन लोगों को हर्जाना दे सकती है? अगर रास्तों की वजह से तमाम रिक्शाएं और तमाम महिला बुजुर्ग को तकलीफ होती है, छोटे बच्चे जो एक्टिवा पे चलते हैं कॉलेज जाते हैं वह गिर जाते हैं, उन्हें धक्का लगता है, उनका जवाबदार कौन है? तो आज मनसे पार्टी ने ये शहर के बड़े मुद्दे को उठाकर महानगर पालिका को चेता दिया और कहा कि अगर जल्द काम चालू नहीं होगा तो दोबारा करेंगे आंदोलन। शहर के लिए अच्छी बात और शहर के लिए अच्छे शुरुआत का काम उल्लासनगर ने मनसे पार्टी ने जो कर दिखाया, शहर के लोग इन मनसे पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। थाने सरकार न्यूज, महेश मूलचंदानी, उल्लासनगर। उल्लासनगर खड्ड्यामध्ये की खड्डे उल्लासनगरमध्ये ते कळायला मार्ग नाही आहे। असंख्य खड्ड्यांचं साम्राज्य या उल्लासनगर शहरामध्ये पसरलं आहे। वारंवार अपघात होत आहेत, नागरिकांना इजा पोहोचते। मग हे प्रशासन काय एखाद्याचा मृत्यू जीव घेण्याचं वाट बघते का असं आम्हाला वाटत होतं। यासाठी हे खड्डे लवकरात लवकर भरून प्रशासनाने उल्लासनगर वासियांना दिलासा द्यावा यासाठी आम्ही आज हे आंदोलन केलं होतं। त्यांनी आम्हाला सांगितलं 15 दिवसाच्या आत आम्ही खड्डे भरू, 15 दिवसात जर खड्डे भरले नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या पद्धतीने आंदोलन करेल असं आम्ही त्यांना हे सांगितलं।